प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में समाज सेवी नाना जी देशमुख की जन्म शताब्दी समारोह में लेंगे हिस्सा। ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की जानकारी वाले एक और पोर्टल की शुरुआत करेंगे और नाना जी देशमुख की स्मृति में डाक टिकट भी जारी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण जीएसटी जैसे फैसलों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ सालों में और सशक्त और पारदर्शी बनेगी। नवगठित प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक के बाद अध्यक्ष विवेक देव राय मीडिया को संबोधित करेंगे। बैठक में सदस्य सचिव रतिन पाटिल के अलावा डॉक्टर आशीर्वाद गोयल शामिल होंगे। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेठी में 21 परियोजनाओं की शुरुआत की। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा तीन पीढ़ियों से गांधी परिवार का अमेठी में विकास का हिसाब दें। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने एक साक्षात्कार में अमेठी के विकास को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी के विकास को हमेशा नजरअंदाज किया। महाराष्ट्र गुजरात में पंचायत और स्थानीय चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिली है। कांग्रेस को दो राज्यों में नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र ग्रामीण इलाकों में पिछड़ा नजर आता है। भाजपा के विकास के एजेंडे को किसान नौजवान गरीबों को समर्थन हासिल है। भाजपा शासन महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाया टैक्स। गुजरात में प्रति लीटर पेट्रोल में करीब 3 रुपये, डीजल में 2.72 रुपये की कटौती की गई, जहाँ महाराष्ट्र में डीजल 2 रुपये और पेट्रोल में 1 रुपये प्रति लीटर सस्ता। देश के कई राज्यों में भाजपा की रक्षा यात्रा जारी है। कई मंत्रियों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केरल में पदयात्रा में हिस्सा लिया। वहीं कन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता पर फिर से हमला हुआ। भाजपा ने सीपीआईएम कार्यकर्ता पर हमले करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की वजह से देश में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगी है। गृह मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि जाँच एजेंसी निष्पक्ष, प्रमाणिक और पेशेवर जाँच से अपनी विश्वसनीयता साबित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामाजिक सेवा के लिए सुरभि इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान की ओर से दिया जाता है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को रेलवे होटल भ्रष्टाचार के मामले में जाँच को लेकर ईडी ने पूछताछ की है। ईडी ने इससे पहले यूपी सरकार में मंत्री रहे पीसी गुप्ता की पत्नी सहित कुछ लोगों से पूछताछ की थी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी ईडी के सामने आज पेश होने के लिए कहा गया है। यूपी में शामिल के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुगर मिल में बायोगैस प्लांट से गैस के रिसाव से निकटवर्ती जूनियर हाई स्कूल में 300 बच्चों की हालत बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच करने के आदेश दिए हैं। कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भयानक आग से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए। आग पर काबू पाने के लिए हजारों दमकल कर्मियों को लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में 8 विकेट से हरा दिया। गुवाहाटी में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 119 रन का लक्ष्य रखा, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 15.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 122 रन बनाकर हासिल कर लिया है। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने नाइजर को 4-0 से हराया। स्पेन के लिए पहले हाफ में 21वें मिनट में एवेल लुइस ने गोल किया।